एबी डी विलियर्स की आतिशी अर्धशतक और मार्कस स्टोनिस के साथ उनकी शतकीय साझेदारी के बाद 19वें ओवर में नवदीप सैनी की शानदार गेंदबाजी से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बुधवार को इंडियन टी20 लीग में किंग्स इलेवन पंजाब को 17 रनों से हटा कर दिया है। ऐसे में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली मैदान पर अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं। मैच के अंतिम ओवर में हुआ ऐसा कुछ जिसके बाद अश्विन ने ग्लव्स निकालकर फेंक दिए। दरअसल हुआ यूं कि 202 रन का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम आखिरी ओवर में 27 रनों की जरूरत थी। क्रीज पर आर अश्विन मौजूद थे और गेंद उमेश यादव के हाथ में थी। इस दौरान उमेश यादव की पहली गेंद पर सिक्स लगाया, इसके बाद टीम का मनोबल और ऊंचा होगा। इस सिक्स के बाद पंजाब को 5 गेंदों में 21 रनों की जरूरत थी। आर अश्विन ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेला लेकिन बाउंड्री के पर जाकर विराट कोहली के हाथों में गेंद गिरी और अश्विन को पवेलियन लौटना पड़ा। इस दौरान विराट कोहली ने कैच पकड़ने के बाद अश्विन की तरफ इशारा करने लगे। कोहली ने इशारे के बाद अश्विन पवेलियन पहुंचते ही ग्लव्स फेंकते नजर आए।